सबसे पहले तो जो हमारा संविधानिक है वकीलों की कमेटी बनाई जाए। एक वकील ने जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं 25-30 लोगों की कमेटी बना के इसमें कॉमन डिसीजन लिया जाए सबकी सबकी राय से क्या हो सकता है, ये नहीं कि जोश में आके काम खराब किया जाए। और कोई भी बात तभी तक नहीं मानी जाती जब तक हम उसके लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। काशीराम जी कहते थे बिना ताकत के कोई चीज मिलती नहीं है और ना ही मिलेगी, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। सिर्फ इसी एक्ट के लिए नहीं, हमें सब चीजों के लिए आगे बेहतर चलना पड़ेगा मिलजुल कर। ये आरक्षण की बात या नौकरी तक की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य के जीवन के बच्चों तक के लिए है। हमें अपने बच्चों का भी भविष्य रखना है, ये नहीं कि हमें आरक्षण तक की नौकरी के लिए रखना है। हर चीज के लिए हमें चलना होगा, हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। और आप सुरक्षा के मैटर को बहुत ज्यादा ध्यान से रखना होगा, क्योंकि हम सुरक्षा के मैटर में बिल्कुल नहीं ध्यान रखते ना, कहीं सुरक्षा को हम भूल ही चुके, कहां हमारी सुरक्षा को दूसरा भी करने आएगा, कोई दूसरा अमेरिका से या इंग्लैंड से नहीं आएगा, हमें अपने आप को ही तैयार करना पड़ेगा सुरक्षा के मैटर में। हमें बराबर कसरत करनी चाहिए, सदस्य को स्वस्थ रखना चाहिए, और जहां प्रदर्शन करने की जरूरत है वो प्रदर्शन ताकतवर करना चाहिए। हर एक आदमी को लेकर चलना पड़ेगा, ये नहीं कि हमें गवर्नमेंट सर्वेंट को लेना है, हमें पब्लिक वाले सर्वेंट को भी लेकर चलना है, और जो घर में मजदूरी कर रहे हैं उन लोगों को भी हमें साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि आज तक हमारे सर्विस वाले भाई उन मजदूर भाइयों को भूल चुके हैं, उनको कोई मदद नहीं करते हैं। ऐसे कैसे होगा जब तक हम खुद ही हमारे पे आ जाते हैं, तो दुख होता है। जो हमारे मजदूर भाइयों को कौन देखता है, कभी किसी की मदद की है किसी ने? इसलिए उन लोगों को साथ लो, तभी आप सफल हो गए। जब तक हम लोगों को साथ नहीं लोगे, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब